का आप भी अभी यहाँ पे शामिल होंगे, यहाँ से जो प्रत्याशी है वो भी, क्या संदेश देंगे और किस तरह से देखते हैं चुनाव? देखिए, जो विधान परिषद के चुनाव है इनमें ज्यादातर मतदाता वो है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पहले ही अपना मत व्यक्त कर चुके हैं, चाहे वो नगर पालिका के चुनाव हो, नगर निगमों के चुनाव हो, चाहे जिला पंचायत के चुनाव हो, सभी चुनावों में भारतीय जनता पार्टी विजयी रही है। मैं समझता हूँ कि विधानसभा चुनाव के तरीके से ही विधान परिषद चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की विजय का परचम लहराएगा और विधान परिषद में जो बीजेपी समय अल्पमत में है, मैं समझता हूँ इन चुनाव के बाद बीजेपी बहुमत में होगी। यानी कि 10 मार्च को जिस तरह से पूर्ण बहुमत से भाजपा विधायक जीती थी, उसी तरह से एमएलसी के चुनाव भी होने वाले हैं आपके? निश्चित रूप में प्रचंड बहुमत होगा और प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी जीतेगी। 25 तारीख को शपथ ग्रहण होने वाला है, एक भव्य शपथ ग्रहण की तैयारियां हो चुकी है, प्रधानमंत्री भी शामिल रहेंगे, गृह मंत्री भी आने वाले, क्या इसमें गृह मंत्री का? नहीं देखिए, इसके बारे में जो विस्तृत जानकारी है वो बीजेपी के संगठन के द्वारा और सरकार के द्वारा दी जाएगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में आप देख रहे होंगे हर जिले में कार्यकर्ताओं में अपार उत्साह दिख रहा है और हर जिले में जनता के प्रति को योगी जी के प्रति बहुत ज़्यादा उत्साह है। तो योगी जी को और मोदी जी को देखना भी कार्यकर्ताओं के लिए एक उत्साह का कारण है और मैं समझता हूँ कि जो भारी भीड़ हो सकती है, लेकिन इसकी विस्तृत जानकारी संगठन और सरकार के द्वारा दी जाएगी। सर, कल कश्मीर फाइल्स की टीम लखनऊ आई थी, राज्यपाल और मुख्यमंत्री से मुलाकात करी, उनसे एक लंबी चर्चा होगी जिसके बाद अब कश्मीर फाइल को लेकर तमाम लोग चर्चा कर रहे थे, उसी में महबूबा मुफ्ती ने कहा कि एक डिवीज़न जिन्ना ने किया था और दूसरा डिवीज़न अब बीजेपी सरकार कर रही है। बीजेपी डिवीज़न नहीं करती, बीजेपी लोगों को मिलाती है और डिवीज़न करने वालों को हतोत्साहित करती है। निश्चित रूप में जो सत्य हैं इतिहास के वो पन्नों पर दर्ज होने चाहिए, उनकी पुनरावृत्ति ना हो, भविष्य को के लिए वो सचेत हो लोग। इस प्रकार के मैं समझता हूँ कि जो सत्य पर आधारित घटनाओं पर बनी पिक्चर है अद्भुत है और इस पिक्चर के माध्यम से कटु सत्य उजागर हो रहा है और लोग इसीलिए पीछे हट रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी सहानुभूति इस प्रकार के प्रकरणों में रही है।